नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एक्सपो में स्वागत है। मैं हूं मयूरेश। आज हम डिस्कस करेंगे 11th में तो 15th में के करंट अफेयर्स। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स है सभी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। इसके अंदर 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया गया है। यह पैकेज हमारे जीडीपी का 10% होगा। तो इस मिशन का यह मकसद है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करें। इस पैकेज का फोकस लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस के ऊपर होगा। और इस मिशन के 5 पिलर्स है: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। तो आप इसके 5 पिलर्स यहां पे देख सकते हैं। तो जो अभियान है वो हेल्प करेगा हमारे लेबरर्स, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और अन्य इंडस्ट्रीज को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीआई टैग। तो रिसेंटली झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रूमाल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग ये एक मुरल आर्ट है। मुरल आर्ट यानी कोई भी आर्ट जब किसी वॉल, सीलिंग या परमानेंट सरफेस पे की जाती है उसको बोलते हैं मुरल आर्ट। इस आर्ट को झारखंड की लोकल ट्राइबल महिलाएं मोस्टली हार्वेस्ट सीजन या फिर शादियों के सीजन में इसे प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट अलग अलग कलर्स के सॉइल को इस्तेमाल किया जाता है जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलते हैं। तो ये पेंटिंग आपको झारखंड के इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस में मिलेंगे, जैसे कि रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। आप यहां पे इस पेंटिंग को देख सकते हैं। फिर तेलिया रूमाल, ये हैंडमेड कॉटन रूमाल है जिसके अंदर रेड, ब्लैक और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। इसके अंदर इकट ट्रेडिशन का इस्तेमाल किया गया है। इकट ट्रेडिशन एक डाइंग टेक्निक है जिसके अंदर नेचुरल वेजिटेबल डाइज को इस्तेमाल करते हैं कलरिंग के तौर पे। इस फैब्रिक को हैदराबाद के निजाम डायनेस्टी के नोबल्स यूज किया करते थे और उस जमाने में इसका एक्सपोर्ट हुआ करता था पर्शियन गल्फ, मिडिल ईस्ट, एडन, ईस्ट अफ्रीका, सिंगापुर और बर्मा में। बर्मा यानी आज का म्यांमार। आप यहां पे देख सकते हैं तेलिया रूमाल। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन सागर। तो रिसेंटली COVID-19 के चलते इंडिया ने सदर्न इंडियन ओशन कंट्रीज को हेल्प भेजी है, मदद भेजी है फूड आइटम्स और मेडिकल असिस्टेंस टीम के रूप में INS केसरी के थ्रू। तो मालदीव्स, मॉरिशियस, मडागस्कर, कोमोरोस, सिचिलिस, इन कंट्रीज ने इंडिया से हेल्प मांगी थी। तो इसके अंदर मॉरिशियस, मडागस्कर, कोमोरोस, सिचिलिस और ला रीयूनियन ये कंट्रीज आती है। इंडियन ओशन कमीशन का पार्ट है और इंडिया इस कमीशन की ऑब्जर्वर मेंबर है। आपको इन कंट्रीज को आपके एटलस के अंदर प्लॉट करना है। सागर, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया के स्ट्रेटेजिक विजन को ये प्रमोट करती है इनिशिएटिव। तो इसका मकसद है कि इंडिया के जो भी मैरिटाइम नेबर्स है उनके साथ इंडिया के रिलेशंस, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो रिलेशंस है उसे और भी गहरा किया जाए, उनको और भी मजबूत किया जाए। और ये इनिशिएटिव है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, इन्हें हेल्प करेगी और इंडिया को इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में मजबूत करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। तो रिसेंटली सिक्किम के नकुला पास रीजन के अंदर, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रीजन में आता है, और लद्दाख के पैंगेंग सो लेक रीजन के वहां पे इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स आपस में भिड़ गए। तो टेम्पररी फेस ऑफ था, तो आपको इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लद्दाख में आप देख सकते हैं पैंगेंग सो लेक जो कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे लोकेटेड है, और सिक्किम में यहाँ पे आप देख सकते हैं नाकुला पास। देन नाकुला पास के हम बेसिक्स में जाते हैं। ये पास लोकेटेड है सिक्किम में जो कि 5000 मीटर्स की हाइट के ऊपर आपको मिलेगा। इसके नजदीक लोकेटेड है मुगुथांग वैली या फिर चोलामू लेक जो कि सोर्स है रिवर तीस्ता का। तीस्ता रिवर यहां से निकलती है। सिक्किम के अंदर आपको और भी इंपॉर्टेंट पासेस मिलेंगे जैसे कि नाथुला पास और जिलेपला पास। आपके लिए एक क्वेश्चन है
कि नाथुला पास और जिलेपला पास के बीच में कौन सी वैली लाए होते, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। देन पेंगेंगसो लेक, ये लोकेटेड है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इसका 1/3 पार्ट लाया होता है इंडिया में और 2/3 पार्ट लाया होता है चाइना में। ये 33 जियो सिंक्लाइन से बना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, कहां पे लोकेटेड है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो लद्दाख के अंदर आप देख सकते हैं पेंगेंगसो लेक यहां पे, और सिक्किम में आप देख सकते हैं नाकुला पास यहां पे। तो मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हम बेसिक्स में जाते हैं। तो मैकमोहन लाइन को ब्रिटिश इंडिया और टिबेट के बीच में बनाया गया था 1914 में चाइना टिबेट ब्रिटेन शिमला कन्वेंशन से। इस लाइन ने ब्रिटिश इंडिया और टिबेट के बीच में जो बॉर्डर थे उनको डिफाइन किया, बट चाइना इसे एक्सेप्ट नहीं करती। देन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे 1962 सिनो इंडिया वॉर के बाद में इसे बनाया गया था। इस वॉर के बाद में चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया और इस लाइन को एक्सेप्ट कर लिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर। तो रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उत्तराखंड के अंदर न्यू रोड का इनॉग्रेशन किया है। ये रोड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कनेक्ट करता है लिपुलेख पास के द्वारा, और इस पास से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का न्यू रूट ओपन होता है। इस रोड को बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये कनेक्टिविटी देता है पिथौरागढ़ उत्तराखंड से लिपुलेख पास तक। तो लिपुलेख पास, इसे केयांगला या फिर ट्राई कॉर्नर भी कहते हैं, एक इंटरनेशनल माउंटेन पास है इंडिया चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे। ये लोकेटेड है वेस्टर्न हिमालयस के अंदर। तो कैलाश मानसरोवर माउंटेन यहाँ पे आप देख सकती है, कैलाश मानसरोवर रेंज। इसे माइथोलॉजी में लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती का रेसिडेंस यानी इसको उनका घर माना जाता है। और इस कैलाश मानसरोवर रेंज के 30 किलोमीटर साउथ में आपको मिलेगा मानसरोवर लेक। जो यात्रा है उसे ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है कुमोन मंडल विकास निगम। कैलाश रेंज आपको चाइना को पर टिबेट में मिलेगा और इसके हाईएस्ट पीक का हाइट है 6675 मीटर्स। कैलाश रेंज ट्रांस हिमालयन रेंज की पार्ट है। तो इंडिया के अंदर ट्रांस हिमालयन रेंज आपको तीन मिलते हैं प्रोमिनेंटली, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आपके लिए क्वेश्चन है कि K2 जो पीक है इन तीनों में से कौन से रेंज में लाए होती है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। देन नेपाल ने हमारे इस रोड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं। नेपाल का यह कहना है कि लिपुलेख पास के अराउंड जो 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है काली रिवर के ईस्ट में, उसके ऊपर नेपाल ने अपना क्लेम वहां पे किया है। नेपाल ने एविडेंस के तौर पर 1816 सगोली ट्रीटी का मैप भी दिखाया है, और नेपाल का यह कहना है कि 2014 में इंडिया और नेपाल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कालापानी जो कि उत्तराखंड में है और सुस्ता जो कि बिहार में, उसे आपस में सुलझाया जाए, तो इंडिया ने उस एग्रीमेंट का ब्रीच किया, ऐसे नेपाल का क्लेम है। पर इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि जो रोड पिथौरागढ़ उत्तराखंड से गुजर रहा है वो कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी से गुजर रहा है, हमने कोई भी वायोलेशन नहीं किया नेपाल की टेरिटरी का। तो काली रिवर यहाँ पे उसके हम बेसिक्स में देखते हैं। तो काली रिवर को उत्तराखंड में शारदा रिवर या फिर काली गंगा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है और घाघरा रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आपको इन सभी को प्लॉट करना है आपके एटलस में। तो इस रिवर के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि तनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और शारदा बैरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे नेपाल है, और इंडिया और उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे आपको मिलेगा काला पानी। ये फिलहाल डिस्प्यूट में है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो रिसेंटली ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को रिलीज किया है। तो 2013 में फर्स्ट समिट हुई थी, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट। इस समिट के अंदर 100 स्टेक होल्डर्स है, इसके अंदर गवर्नमेंट्स, डोनर्स, फिर सिविल सोसाइटीज, यूनाइटेड नेशंस और बिजनेस ग्रुप्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2014 में,
और उसके बाद में हर साल ये रिपोर्ट रिलीज होती है। तो 2020 की इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया अलॉन्ग विद द 88 कंट्रीज अपने 2025 के टारगेट को मिस कर सकती है, जो कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है। फिर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक इनइक्वालिटीज भी है माल न्यूट्रिशन में। तो 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स दिए थे जो कि हमें मीट करने हैं 2025 तक। उन टारगेट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट है कि अंडर 5 जो भी चिल्ड्रंस है उनके अंदर स्टंटिंग 40% से कम किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। फिर सेकेंड टारगेट है जो भी महिला है 19-49 के एज ग्रुप में उनके अंदर एनीमिया को 50% से रिड्यूस किया जाए। थर्ड टारगेट है कि जो भी लो बर्थ वेट है उसे 30% से रिड्यूस किया जाए। फोर्थ टारगेट है कि चाइल्डहुड ओवर वेट को इंक्रीज ही नहीं देना चाहिए। फिफ्थ टारगेट है कि जो भी बच्चे पहले 6 मंथ में उनका जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो रेट है उसे एटलीस्ट 50% तक उसको लाया जाए। और सिक्स टारगेट है जो चाइल्ड वेस्टिंग हो रही है उसे 5% से नीचे उसको मेंटेन किया जाए। तो ये सभी टारगेट्स है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स के 2025 तक। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो रिसेंटली जर्मनी के एक कोर्ट ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक रूलिंग को क्वेश्चन किया है। तो उसकी रूलिंग के हमें ज्यादा बेसिक्स में जाने की जरूरत है नहीं, हमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के बेसिक्स में जाना है। तो जर्मन कोर्ट का ये जो एक्शन है वो यूरोपियन यूनियन के जुडिशियल सिस्टम के हायरार्की को ये क्वेश्चन मार्क करता है। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूरोपियन यूनियन का सुप्रीम कोर्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन के लॉज को के ऊपर ये एडमिनिस्टर करता है, उसको जुडिशियल में काम करता है। ये कोर्ट बना था 1952 में ट्रीटी ऑफ पेरिस से। ये लोकेटेड है लक्समबर्ग में। और ये जो कोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उनके गवर्नमेंट्स और उनके इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो भी लीगल डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करती है, ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हायरार्की के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के जो भी नेशनल कोर्ट्स है वो सभी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के नीचे आते हैं यूरोपियन यूनियन लॉ के हिसाब से। इस कोर्ट की कॉम्पोजिशन ये है कि हर एक मेंबर कंट्रीज से एक जज को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है और इसके टोटल अभी जजेस है 27। तो इस यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट इन 27 जजेस में से चुने जाते हैं और इन एक जज का टर्म है 3 इयर्स और ये रिन्यूएबल टर्म के लिए भी चुने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकस्ट अटैक। तो रिसेंटली लोकस्ट वॉरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने लोकस्ट अटैक को ऑब्जर्व किया है राजस्थान के जैसलमेर और श्रीगंगानगर के रीजन में। तो 2019 दिसंबर में और 2020 जनवरी में इस लोकस्ट अटैक से जो राबी क्रॉप से वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात में उन्हें बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। जो डेजर्ट लोकस्ट होते हैं वो शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऊपर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फोटो, और ये उड़ सकते हैं। ये जनरली जून और जुलाई के महीने में आपको दिखाई देते हैं। तो इनकी हाई मल्टीप्लाई होने की कैपेसिटी है, ये ग्रुप्स में हमेशा चलते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ये माइग्रेट कर सकते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी वार्निंग देता है। तो इंडिया के अंदर आपको 4 स्पीशीज मिलते हैं लोकस्ट के, डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है और ये इंडिया के अंदर जो भी डेजर्ट लोकस्ट है उनका मॉनिटरिंग, सर्वे और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो हर साल 9 मई के दिन इसे मनाया जाता है। इस साल की थीम है बर्ड कनेक्ट और वर्ल्ड। इसे फर्स्ट टाइम 2006 में मनाया गया था और इसे ऑर्गेनाइज करते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, देन अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट और एनवायरमेंट फॉर द अमेरिकाज, ये 3 ग्रुप्स। तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के हम बेसिक्स में जाते हैं। इस कन्वेंशन को बनाया गया था माइग्रेटरी बर्ड्स और उनके हैबिटेट्स के प्रोटेक्शन के लिए और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का ये पार्ट है। इसे बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं और ये एकमात्र ग्लोबल यूनाइटेड नेशन बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज के कंजर्वेशन की बात करती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स कौन से कंट्री में लोकेटेड, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है।
नेक्स्ट टॉपिक है एबोलिशन ऑफ पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ पोस्ट को एबोलिश कर दिया है और जो एक्शन लिया है वो डीबी शेकटकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे लिया गया है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है आर्म फोर्सेस की और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की इंडिया के अंदर, और इस एक्शन के कारण हमारे रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि हमारा बजट डिफेंस बजट का ऑलमोस्ट 70% जो खर्चा है वो सैलरीज एंड पेमेंट में जाता है, तो इससे हमारी सेविंग्स बढ़ सकती है। तो सिप्रीस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया टॉप 3 में आता है मिलिट्री स्पेंडिंग में। तो फर्स्ट टॉपर है यूएस है, उसके बाद चाइना और थर्ड में आता है इंडिया मिलिट्री स्पेंडिंग में। ये 2019 की रिपोर्ट है सिप्री की। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिक्ट वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। तो रिसेंटली वाइजैक गैस लीक केस में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एलजी पॉलीमर जो इंडस्ट्री जहां से जो गैस लीक हुई थी उन्हें लायबल पाया गया है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंडर। बट लॉयर्स का यह कहना है कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल इसके बदले एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल यहां पे यूज होना चाहिए, क्योंकि 1987 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को यहां पे खारिज कर दिया था, रिडंडेंट कर दिया था और उसके बदले एब्सोल्यूट लायबिलिटी यूज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1987 में जजमेंट दिया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो सिटीजन्स के राइट को ठीक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करती, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बदले एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल वहां पे दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल यानी क्या, किसी भी इंडस्ट्री से या फिर किसी भी कंपनी से कोई भी हैजर्डस सब्सटेंस जब एस्केप होता है बाय एक्सीडेंट और बाय एक्ट ऑफ गॉड, तो वो कंपनी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन लायबल नहीं होती कंपेंसेशन के लिए। यह स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी क्या, सेम केस में वो पार्टी या फिर वो कंपनी लायबल होती है और उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा, यह होती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अनुसार इस एक्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को अपनाया था और सेक्शन 17 इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो इस रिसर्च सेंटर ने COVID-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बहुत सारे लेबोरेटरी रिसर्च वर्क के अंदर एनालिटिकल वर्क करता है, और इस सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के बहुत अलग अलग वेब सेमिनार्स और सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एक ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। ये लोकेटेड है गोवा में और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इंडियन आर्टिक रिसर्च बेसिस जो कि मैत्री और भारती और इंडियन एंटार्क्टिक रिसर्च बेस जिसका नाम है मैत्री और भारती और इंडियन आर्टिक रिसर्च बेस जिसका नाम है हिमाद्री, उनको मैनेज करना, और मिनिस्ट्री का जो रिसर्च वेसल है ORV सागर कन्या इसे मैनेज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सेंटर की। नेक्स्ट टॉपिक है ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो रिसेंटली ओडिशा के गंजम कोस्ट जो कि ऋषिकुल्या रिवर के किनारे है उसके ऊपर ऑलिव रिडले टर्टल्स का मास हैचिंग जिसे अरीबाड़ा कहते हैं वो स्टार्ट हुआ है। तो ओडिशा जो कोस्ट है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मास हैचिंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल्स का। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स ये दुनिया के सबसे छोटे और मोस्ट अबेंडेंट सी टर्टल्स है और ये कार्निवर्स यानी क्या, ये मांसाहारी होते हैं। इनके हैबिटेट होते हैं पैसिफिक, एटलांटिक और इंडियन ओशन के वार्म वाटर्स, तो आपको ये वार्म वाटर्स में मिलेंगे। इनका प्रोटेक्शन स्टेटस हम देख लेते हैं। तो IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल स्टेटस में है, साइट्स के लिस्ट में ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स। नेक्स्ट है इलॉन्गेटेड टॉर्टोइस। तो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में स्थित है, इसकी स्टडी से सामने आया है कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उससे जो उसके अंदर जो भी साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस है तो इस एरिया नेटवर्क के 90% बाहर आपको ये मिलेंगे साल टॉर्टोइस। तो साल टॉर्टोइस जो है इसे इलॉन्गेटेड टॉर्टोइस भी कहते हैं। इनका हैबिटेट आपको मोस्टली मिलेगा इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में
और साउथ ईस्ट एशिया में। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के लिस्ट में अपेंडिक्स 2 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 4 के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलॉन्गेटेड टॉर्टोइस। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो रिसेंटली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इसे सेलिब्रेट किया है, हर साल इसे 8th मई को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है हेनरी डुनेंट इनका। ये फाउंडर थे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी का और इन्हें फर्स्ट नोबल पीस प्राइज मिला है। तो इस सोसाइटी का मकसद है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को इंस्पायर करना, इनिशिएट करना और एनकरेज करना। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और एक वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट और इसके चेयरमैन होते हैं इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया है बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का अपने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन में 2018 की डेटा ये देता है। और इसका जो भी फिगर्स है वो जो भी रेट है उसे मेजर किया है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन के तौर पे। तो बर्थ रेट का हम डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 दशकों में जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। आपको हाईएस्ट बर्थ रेट, जो ज्यादा आपको बर्थ रेट मिलेगा रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, बिहार में सबसे ज्यादा बर्थ रेट है और सबसे कम बर्थ रेट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। देन डेथ रेट की अगर बात की जाए तो पिछले 4 दशकों में डेथ रेट भी डिक्लाइन हुआ है और सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू अर्बन। तो आपको ज्यादा डेथ रेट मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में और सबसे कम आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। देन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर, यानी 1 साल से कम जो भी बच्चे हैं उनका डेथ रेट, उसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इसको पर 1000 लाइव बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में ये डिक्रीज हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर ये सबसे ज्यादा है और नागालैंड के अंदर सबसे कम है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसे पायलट बेसिस पे इनिशिएट किया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने और इसे 1969-70 से इसको फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर दिया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम है कि इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक सर्वे कराना, उसे कंडक्ट कराना, इंडिया का सेंसस और लिंग्विस्टिक सर्वे कराना। नेक्स्ट टॉपिक है टोडा एम्ब्रॉयडरी। तो नीलगिरीज के ट्राइब्स ये टोडा एम्ब्रॉयडरीज को ये प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने अपने स्किल से जो COVID-19 से लड़ने के लिए फेस मास्क भी डिजाइन किए हैं। तो टोडा ट्राइब एक पेस्टोरल ट्राइब है जो कि आपको नीलगिरीज रीजन में मिलेगी। आपको नीलगिरीज को प्लॉट करना है आपके एटलस के अंदर, ये साउथ इंडिया के अंदर है। तो टोडा लैंग्वेज में इस टोडा एम्ब्रॉयडरी को पोहर कहते हैं और इनकी शॉल को पुटुकुली कहते हैं। इसे GI टैग भी मिला है। आपके लिए क्वेश्चन है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोडा एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल पॉक्स। तो WHO ने और यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी ने रिसेंटली एक कम्युनिटी स्टैम्प को, पोस्टल स्टैम्प को रिलीज किया है स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन के 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो स्मॉल पॉक्स एक इन्फेक्शियस कंटीजियस डिसीज है जो कि 2 वायरस स्ट्रेन से होता है, एक है वेरियोला मेजर और सेकेंड है वेरियोला माइनर। तो स्मॉल पॉक्स 2 इन्फेक्शियस डिसीज में से एक है जो कि इरेडिकेट हो चुके हैं। तो एक है स्मॉल पॉक्स, सेकेंड है रिंडरपेस्ट जो कि इरेडिकेट हुआ था 2011 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेटेड यूवी सिस्टम। तो रिसर्च सेंटर इमारत जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, इसने इन ऑटोमेटेड कॉन्टेक्टलेस यूवी सैनिटेशन कैबिनेट को डिजाइन किया है। इसका नाम है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैबिनेट एक टाइप का सैनिटाइजर है जिसके अंदर यूवी रेस इस्तेमाल होते हैं। और इन्होंने नोट्स क्लीन करके एक मशीन डिजाइन की है जो कि करेंसी नोट्स को ये सैनिटाइज करेगी। तो रिसर्च सेंटर इमारत ये लोकेटेड हैदराबाद में और ये DRDO की एक प्रीमियर लैब है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो इंडिया ने 11th मई के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट किया है। तो फर्स्ट ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे 1999 को मनाया गया था और ये कमेमोरेट करता है इंडिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के अचीवमेंट्स को।
इसे स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1999 में। हर साल इसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया इसे सेलिब्रेट करता है, जो कि एक स्टेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर। और इस साल का इसका थीम है रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑपरेशन शक्ति किया गया था 11th May 1998 के दिन, पोखरण सेकंड, इसको न्यूक्लियर टेस्ट भी कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कौन से साल में होता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो इस दिन 11th May 2020 के दिन एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस को भी अरेंज किया गया था, इसका नाम है रीस्टार्ट। इसका फुल फॉर्म है रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, जो कि साइंस डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक के अंडर आता है, और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडस्ट्रीज लेड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है कोविड कवच एलिसा। इसे डेवलप किया है पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबॉडी बेस्ड एलिसा टेस्टिंग किट है, जो कि कोरोना वायरस को डायग्नोस करेगी। और इसके अंदर कैपेसिटी है कि 2.5 hours में ये 90 सैंपल्स को डायग्नोस टेस्ट कर सकती है। आप यहाँ पे इस किट को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिकी। तो मैसूरू बेस्ड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस चीकू को लॉन्च किया है, इसको डेवलप किया है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इम्यूनिटी बूस्ट कराने के लोगों को ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। और स्पिरुलिना यानी साइनोबैक्टेरिया का बायोमास होता है, साइनोबैक्टेरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, और ये कंज्यूमेबल होता है, तो इसे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्वस्थ वस्तु, स्वस्थ वायु। तो बेंगलुरु बेस्ड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने इस स्वस्थ वायु को डेवलप किया है, इसका नाम है बाइपैप वेंटिलेटर। तो एक ब्रीदिंग सपोर्ट डिवाइस है, जो कि यूज होगा कोविड 19 पेशेंट्स के लिए, जो कि नॉन क्रिटिकल और नॉन आईसीयू केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाइपैप का फुल फॉर्म है बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर भी है। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये पार्ट है CSIR का, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। नेक्स्ट टॉपिक है अटल पेंशन योजना। तो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इस योजना ने 5 साल कंप्लीट किए हैं। तो इस योजना को लॉन्च किया गया था 9th May 2015 में। एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो कि सभी इंडियंस को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और स्पेशली पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो इसे एडमिनिस्टर किया जाता है PFRDA के द्वारा, नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन इस स्कीम को अवेल कर सकता है, और उसकी सब्सक्रिप्शन की एज है 18 to 40 years ऑफ एज, यानी कि इस एज के बीच में कोई भी इंडियन सिटीजन इसको सब्सक्राइब कर सकता है। तो उन सब्सक्राइबर्स को अपने 60 years कंप्लीट होने के बाद में 1,000 to 5,000 के बीच में पेंशन मिलेगी। तो अटल पेंशन योजना के अंदर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टैक्स बेनिफिट के लिए उन्हें एलिजिबल किया जाएगा, और नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए भी ये एलिजिबल है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है, इसको लॉन्च किया था 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और फिर बाद में इसे सभी इंडियन सिटीजन्स को ये इसको एक्सपैंड किया गया, रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। तो इस नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर किसी भी एज 18 to 65 एज ग्रुप के इंडियन सिटीजन्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कृषक कल्याण फीस। तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने 2% कृषक कल्याण फीस की घोषणा की है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो भी मंडीज के अंदर आएगी सेल करने के लिए। तो ये जो फीस कलेक्ट होगी उसे कृषक कल्याण कोष के अंदर उसको डिपॉजिट किया जाएगा, और उसे फार्मर्स के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो हर साल 12th May को इस दिन को मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे को, और 12th May ये बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनकी। ये फाउंडेशन फिलोसोफर थी मॉडर्न नर्सिंग की, यहाँ पे आप इनके फोटो देख सकते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इस साल के नर्सिंग डे का थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो WHO ने 2020 साल को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ करके डिक्लेयर कर दिया है। तो इंडिया के अंदर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। तो रिसेंटली कोविड 19 से जो भी हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, उनको गवर्नमेंट ने 50 lakh इंश्योरेंस कवर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है FIR आपके द्वार।
तो एमपी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस ऑफिसर जो है वो स्वयं आपके घर में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चैंपियंस पोर्टल फॉर एमएसएमई। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मॉडर्न इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स को इस्तेमाल करेगा। तो चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो जो भी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा उसको एम्पावर किया गया है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक कोविड मैट। तो केरला के स्टेट कॉयर कॉरपोरेशन ने इस मैट की घोषणा की है। एक डिसइनफेक्टेंट डोर मैट होगा, फ्लोर मैट होगा और जो भी पर्सन घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, शॉप्स के अंदर या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर करेंगे इस मैट के ऊपर से चल के जाएंगे और ये सभी के फीट्स को सैनिटाइज करेगा। तो कोविड 19 से लड़ने के लिए इस कोविड मैट को बनाया गया है केरला स्टेट कॉयर कॉरपोरेशन के द्वारा। आपके लिए क्वेश्चन है कि कॉयर बोर्ड का लोकेशन कहाँ पे है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है और कॉयर बोर्ड जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी पीस प्राइज। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गांधी पीस प्राइज का जो नॉमिनेशन पीरियड उसको बढ़ा दिया है, जिसके हम बेसिक्स में जाते हैं। ये एनुअल अवार्ड है, 1995 से इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 1995 से इसको देते आ रहे हैं। तो 1995 में गांधी जी के 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था और जो भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन नॉन वायलेंस वे से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है उन्हें ये प्राइज मिलता है। इस अवार्ड की जो जूरी है उसकी सिलेक्शन किए जाती है प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंडर और जो प्राइज है सभी इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, क्रीड, रेस और सेक्स। यानी क्या, किसी भी नेशनलिटी, किसी भी क्रीड, किसी भी रेस और या फिर किसी भी सेक्स के पर्सन को यह अवार्ड मिलता है, बट यह अवार्ड मरणोत्तर नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में 2015, 2016, 2017 और 2018 के अवार्ड की घोषणा की गई थी। तो 2018 का अवार्ड मिला है योहेई सासाकावा को, ये जापान के हैं और इन्हें लेप्रेसी इरेडिकेशन के लिए अवार्ड मिला है। 2017 का अवार्ड मिला है एकल अभियान ट्रस्ट को, 2016 का अवार्ड मिला है अक्षय पात्रा फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को और 2015 का अवार्ड मिला है विवेकानंद केंद्र को। तो यहाँ पे आप गांधी पीस प्राइज देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट मीटर्स। तो रिसेंटली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने यह कहा है कि स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम से जो भी डिस्कॉम है, उन्हें जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, उनकी बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ी है 95% से लॉकडाउन के दरमियान। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और ये स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करता है इंडिया के अंदर। तो स्मार्ट मीटर्स के बेनिफिट ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन को इंसेंटिवाइज करता है, डेटा एंट्री के जो भी एरर्स उसको चेक करता है, बिलिंग एफिशिएंसीज को ये बढ़ाता है, जो भी मैनुअल मीटर रीडिंग के जो कॉस्ट उसको कट करता है और ये वेब बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। तो कस्टमर भी इससे सेटिस्फाइड है क्योंकि ये बेटर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम देता है, इस सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है और ट्रांसपेरेंसी भी लेके आता है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टेबल डिवाइस टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन मिल्क। तो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसने एक डिवाइस को डिजाइन किया, इसका नाम है फ्लोरोमीटर, जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मेलेमाइन इस एडल्ट्रेट को डिटेक्ट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि जो भी मिल्क है उसके डीएनए के अंदर कॉपर नैनो पार्टिकल्स को ऐड किया जाएगा और जो फ्लोरोमीटर है उसको डिटेक्ट करेगा। तो इंडिया दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है मिल्क का। तो मिलेमाइन इस अडल्ट्रेट को हम देख लेते हैं, एक अडल्ट्रेट है जिसको मिल्क के अंदर मिलाया जाता है। ये ऑर्गेनिक बेस्ड केमिकल है, ये व्हाइट कलर क्रिस्टल्स में आता है और ये नाइट्रोजन के अंदर इसके अंदर आपको ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है। तो अडल्ट्रेशन करने के टाइम मिल्क का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर पानी ऐड करते हैं
ओके, बट पानी ऐड करने से जो डाइल्यूशन होता है उसके कारण जो प्रोटीन की मात्रा है कम हो जाती है। तो जब भी कंपनी मिल्क को चेक करते हैं, प्रोटीन लेवल जो चेक करते हैं वो नाइट्रोजन कंटेंट के हिसाब से चेक करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए मिल्क के अंदर मिलेमाइन को ऐड कर देते हैं, जिसके इसके कारण नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है, प्रोटीन की जो कंटेंट वो भी बढ़ जाती है। तो मिलेमाइन के कारण पॉइजनिंग हो सकता है, किसी भी पर्सन की किडनी रिलेटेड डिसीज हो सकती है, फिर किडनी का भी फेलियर हो सकता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।